नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आप सभी का अपना YouTube चैनल आई फॉर इन्फॉर्मेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप अगले कुछ दिन पहले कन्या उत्थान योजना का आवेदन किए थे, तो दोस्तों आपको एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए कि आप जिस भी लड़की का आवेदन किए थे तो उसका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके बताएंगे, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि अगर अप्रूव हो गया है तो इसका रुपया कब तक अकाउंट में क्रेडिट होगा। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी लड़की या लड़के 10 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है उसका आवेदन प्रोत्साहन राशि के लिए कब तक होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ई कल्याण के वेबसाइट में आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहां से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको दो लिंक प्रोवाइड कराया गया है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। जैसे मेरे सामने पोर्टल खुल के सामने आ चुका है, आपको लिंक टू पर प्रेस करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। आवेदन की स्थिति देखने के लिए क्लिक करें वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। जैसे कि मैं ऑनलाइन आवेदन किया था तो मुझे एक रिसीविंग मिला था, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और वहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल को आपको दिखा देते हैं कि इसका एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ सबसे पहले आपको स्कूल का नाम दिखाया जाएगा, बैंक पासबुक पे दिया हुआ नाम जो पहले नहीं दिखा रहा था वो अभी यहाँ शो कर रहा है। देखिए, नसीम इंटर कॉलेज जेटी स्कूल शो कर रहा है, फिनिलाइट एस। अगर आपका फिनिलाइट नहीं हुआ है तो यहाँ नो दिखाएगा। आधार नंबर 4 डिजिट का लास्ट यहाँ शो कर रहा है, अकाउंट नंबर 4 डिजिट लास्ट का शो कर रहा है, बैंक वेरिफिकेशन स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया है, नेम वेरीफाइड इन प्रोसेस, लॉक नो, पेमेंट स्टेटस इन प्रोसेस। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि लॉक वाले ऑप्शन पर जैसे ही एस हो जाएगा तो आपके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका एप्लीकेशन बैंक एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, अगर आपका फॉर्म फिनिलाइज हो गया है तो यहाँ एस दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। आपको जैसे आपको पैसे मिलेंगे और यहाँ जो नेम वेरीफाइड का ऑप्शन है इसके नीचे इन प्रोसेस दिखा रहा है और लॉक
वाले जो ऑप्शन है उस पे नो दिखा रहा है। जैसे ही दोस्तों लॉग एस हो जाता है तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन किया था तो आपको फॉर्म अप्रूव हुआ है कि नहीं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताया। साथ ही साथ मैं आपको यह बताने का प्रयास करता हूँ कि आपका पैसा अभी आपके अकाउंट में बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं किया जाएगा, ऐसा करता हूँ, क्योंकि इलेक्शन सामने है। इलेक्शन हो जाने के बाद जो हमारी नई सरकार आएगी उसके द्वारा हमारे जो पैसे हैं वो अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। और जो भी छात्र छात्रा प्रथम श्रेणी से 10th पास किए हैं उसका प्रोत्साहन राशि कब मिलेंगे, इसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया था जो कि मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसे लोड करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कब से ऑनलाइन आवेदन होगा। दोस्तों यहाँ पर अभी ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एक कलियन के साइट पर अभी तक प्रोत्साहन राशि के संबंध में कोई लिंक अपडेट नहीं किया गया है। जब ऑनलाइन आवेदन होगा तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। जय हिंद।